ये सुनते हैं। काम करना है। आज हमारे सामने मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी, रंधावा जी, एक आपको एक संदेश देके जाएंगे, एक संकल्प देके जाएंगे। उसी संदेश को आने वाले समय के उस गांव, ढाणी, खेत और कल्याण तक पहुंचाने का काम आप लोगों को एकता और संगठन से करना है। अभी मैं देखे हो अपर बूढ़िया से कस्सा पड़ा बैठा है, डांग लेवड़ी हाथ रमाई ने ए जोर जोर उतारे पीटे हा काई ना मारो जानू कौन सा उड़ा चितो ए जोर जोर उतारे पीटे। जब योजना की बात कर रहा है, राजस्थान रे मुख्यमंत्री जी बात कर रहा है, ए पूरा खड़ा और जोर जोर उतारे पीटे हा, तो ये समझो कि राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। आने वाले 2023 के विधानसभा के जो चुनाव है, उन चुनावों में राजस्थान का एक एक आदमी एकता और संगठन से वापस कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। समय काफी, योजनाओं के बारे में आप सब भले भांति जानते हो। अभी रंधावा साहब एक एक जो उस गरीब परिवार से हमारे पीछे जो झोंपड़ी वाले लोग हैं उनसे भी जो है एकदम रूबरू होकर मिलकर आए हैं। अभी इस सभा के बाद में मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, एक एक आदमी से योजनाओं की बात कर रहे थे हमारे चेयरमैन, अभी आपके सामने बता रहे थे, चाहे IIT से कोर्ट की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, अरे शिक्षा के क्षेत्र में हमने नई क्रांति और नया इतिहास रचने का काम किया है। वो नई क्रांति, नया इतिहास कि राजस्थान में हर ग्राम पंचायत के अंदर हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया। आज हमारा गांव का बच्चा, हमारे गांव की बेटी उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रही है और फरांटेदार अंग्रेजी बोल रही है। ये कोई शिक्षा के क्षेत्र में कम बात नहीं है। एक नई क्रांति, एक नया इतिहास रचने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं आप सबको दोबारा ये निवेदन करना चाहता हूं कि काम के विषय में आप लोगों की भावना की कदर, आप लोगों के जो भी आपने बताए उन कामों को करने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब काम आपका है। आने वाले 2023 के चुनाव में आपसी मनमुटाव मिटा के एक जजम पर बैठकर और आने वाले 2023 के चुनाव में इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर और राजस्थान में भारी बहुमत से सत्ता में बिठा दो। तो मैं आप सबको जो है ये निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।